स्टूडेंट्स, वेलकम टू कक्षा अफेयर्स। आज है 2 अक्टूबर 2021 और 2 अक्टूबर 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और वीडियो के बीच में या लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 29 सितंबर या फिर 2 सितंबर। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 1 अक्टूबर। ये अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया क्यों जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस है वो कॉफी के उपयोग का जश्न मनाने और इसको बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और आज के दिन विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में टॉप पर कौन रहा है? ऑप्शन है मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, एस पुनावाला और जे चौधरी। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने लगातार 10वें साल तक हुरून इंडिया रिच लिस्ट में टॉप जगह बना रखी है और मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 7,18,000 करोड़ रुपए 2021 तक आकी गई है। अदर ऑप्शन की बात करते हैं तो गौतम अडानी ने सेकेंड रैंक हासिल की है, एस पुनावाला ने थर्ड रैंक एंड जे चौधरी ने 10th रैंक। प्रेजेंट टाइम में भारत में कुल अरबपति है 237। प्रेजेंट टाइम में 237 है वो भारत में कुल अरबपति है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFCA ने सतत वित्त पर एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन है सीके मिश्रा, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सीके मिश्रा है वो IFCA ने सतत वित्त पर एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया जिसकी अध्यक्षता करेंगे। तो गठन है पैनल, उसके प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्राधिकारों में सतत वित्त में मौजूदा नियामक प्रथाओं का अध्ययन करेगी और IFC में एक विश्व स्तरीय टिकाऊ वित्त केंद्र विकसित करने के लिए एक मजबूत रूपरेखा की सिफारिश करेगी, साथ ही इसके लिए एक रोड मैप भी तैयार करेगी। बात करते हैं IFSCA की। तो IFSCA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर है गुजरात के गांधीनगर में, गिफ्ट शहर में, गुजरात के गांधीनगर का गिफ्ट शहर, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र और राज्य सरकार की कई परियोजनाओं, शिकायतों और कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है ओम बिरला, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नितिन गडकरी। तो नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य सरकार की कई परियोजनाओं, शिकायतों और कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। बात करते हैं प्रगति की। तो प्रगति का मीनिंग क्या है? प्रगति का अर्थ है प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इस बैठक में करीब 50,000 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। कुल 8 परियोजनाओं की समीक्षा, इम्पोर्टेंट ये चीज है कि कुल कितनी परियोजनाओं की समीक्षा की गई है? 8 परियोजनाओं की, और लागत कितनी आएगी? 50,000 करोड़ रुपए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन है मनदीप सिंह, सुरेंद्र कुमार, रुपिंद्र पाल सिंह, विवेक प्रसाद। तो रुपिंद्र पाल सिंह ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम से संन्यास की घोषणा कर दी है। रुपिंद्र पाल टीम
रुपिंद्र पाल सिंह, अभी हाल ही में जो ओलंपिक हुए उसमें भारतीय हॉकी टीम ने, भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था, उसी टीम के ये हिस्सा थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसडीएल ने किसको एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आर एन रवि, राजीव बंसल, पदमजा चंद्रू, विनोद अग्रवाल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका पदमजा चंदू को। पदमजा चंदू को एनएसडीएल ने एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। पदमजा चंदू ने जीवी नागेश्वर राव की, जीवी नागेश्वर राव की जगह ली। बात करते हैं एनएसडीएल की, तो एनएसडीएल की फुल फॉर्म होगी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। भारत में दो तरह की डिपॉजिटरी वर्क करती है, एक तो होती है एनएसडीएल और दूसरी होती है सीएसडीएल। सीएसडीएल की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो ये दो तरह की डिपॉजिटरी है वो इंडिया में वर्क करती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ नामक एक उपन्यास जारी किया गया है जो किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन है वाले सोइन का, चेतन भगत, निरुपमा राव और विजय गोखले। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वाले सोइन का। वाले सोइन का ने क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ नामक उपन्यास लिखा है। वाले सोइन का की बात करते हैं हम, तो ये है वाले सोइन का और ये इनकी ये हाल ही में पुस्तक है। तो वोले सोयनका है वो साहित्य में अफ्रीका के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है। अफ्रीका के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है साहित्य क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार विजेता है वो साहित्य क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? साहित्य क्षेत्र में। इनके अन्य उपन्यास भी है जो जो है द जीरो प्लेज, द रोड, द लायन एंड द ज्वेल, मैड मैन एंड स्पेशलिस्ट और फ्रॉम जिया विद लव है। ये अन्य उपन्यास है इनके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएसडीसी ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? एएसडीसी ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? ऑप्शन है प्रशांत कुमार, विनोद अग्रवाल, निकुंज सांघी, राजीव अग्रवाल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका विनोद अग्रवाल। विनोद अग्रवाल को एएसडीसी ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये है विनोद अग्रवाल और ये है निकुच सांगी, इनकी जगह ये विनोद अग्रवाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने अपना ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? हाल ही में किसने अपना ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन इंडिया और करेक्ट ऑप्शन होगा आपका अमेजॉन इंडिया। अमेजॉन इंडिया में ने अपना ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम के तहत अमेजॉन इंडिया है वो इंडिया में सरकारी स्कूलों में अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग को लॉन्च करने की घोषणा करेगा। अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग को लॉन्च करने की घोषणा करेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला गुलाबी गेंद टेस्ट कहाँ खेला है? हाल ही में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला गुलाबी गेंद टेस्ट कहाँ खेला है? ऑप्शन है ओवल, लंदन, दिल्ली या फिर जॉन्सबर्ग। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ओवल। ओवल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला गुलाबी गेंद टेस्ट खेला है। ओवल है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। हाल ही में 30 सितंबर से ये टेस्ट शुरू हुआ है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और ये डे नाइट टेस्ट है, डे एंड नाइट टेस्ट है। और इस टेस्ट में मिताली राज है वो पहली भारतीय महिला क्रिकेट, मिताली राज
पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है जिन्होंने पिंक गेंद से अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया है, टेस्ट शतक पूरा कर लिया। तो ये थे फ्रेंड आज के क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है वो जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, और जितना हो सके इस क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखे। तो हाल ही में किसने हाइपरसोनिक मिसाइल हवानसोंग 8 का परीक्षण किया है? हाल ही में किसने हाइपरसोनिक मिसाइल हवानसोंग 8 का परीक्षण किया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखिए। तो थैंक यू।